आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग अर्ध आयु क्या है इसका व्यंजक के बारे में जानेंगे। कह रहा हमारा क्वेश्चन, अर्ध आयु को परिभाषित करें तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। अर्ध आयु का परिभाषा दिया जाता है हमारा, अर्धायु का परिभाषा कह दिया जाता है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या घटकर आधी हो जाती है क्या करा हमारा कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या घटकर आधी हो जाती है या विघटित होकर आधी हो जाती है उसे अर्ध आयु कहते हैं। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या घटकर आधी हो जाती है उसे अर्ध आयु कहते हैं। इसे कैपिटल टी या टी हाफ द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल टी या टी हाफ द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्ध आयु को हम लोग कैपिटल टी या टी हाफ द्वारा व्यक्त करते हैं। अब कह रहा है व्यंजक के लिए कि रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन के नियम का गणितीय रूप हम लोग देखे थे। तो हम लोग गणितीय रूप में क्या निकाले थे, n बराबर n जीरो e के पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारा रेडियो एक्टिव विघटन का गणितीय रूप है। अब कह रहा है इसमें कि यदि टी बराबर जीरो तो एन बराबर एन जीरो। क्या कह रहा था कि जब टी बराबर जीरो अर्थात समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो जो हमारा
परमाणु की संख्या है वह पूर्व में जो परमाणु की संख्या थी उसके बराबर होता है, अर्थात परमाणु की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कह रहा हमारा अर्ध आयु के लिए, अर्ध आयु के लिए, अर्ध आयु के लिए हमारा क्या होगा कि कह रहा है कि यदि स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी, स्मॉल टी हमारा कैपिटल टी अर्धायु है, स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी हो तो हमारा क्या हो जाएगा परमाणु की संख्या जो है वह घटकर कितनी हो जाएगी, एन बराबर हमारा हो जाएगा एन जीरो बटे दो, क्योंकि बता रहा है कि परमाणु की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसी हिसाब से अगर हम लोग अगर इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे तो ये हमारा समीकरण एक होगा, समीकरण एक में स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी और एन बराबर एन जीरो बटे दो एन बराबर एन जीरो बटे दो मान देने पर, समीकरण एक हमारा कहाँ है, समीकरण एक हमारा यहाँ है एन बराबर एन जीरो ई के पावर माइनस लैम्डा टी। इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, इसे स्मॉल टी के जगह पर हम लोग कैपिटल टी देंगे और एन के जगह पर हम लोग लिखेंगे एन जीरो बाय दो। तो हमारा क्या आएगा निकल के, एन जीरो बटे दो बराबर एन जीरो ई के पावर माइनस लैम्डा और यहाँ स्मॉल टी के जगह पर हमारा कैपिटल टी हो जाएगा, जहां कैपिटल टी हमारा अर्ध आयु है। स्मॉल टी के बदले हम लोग कैपिटल टी दिए, यहाँ पर हमारा स्मॉल टी था, यहाँ पर हम लोग कैपिटल टी दिए, जहां कैपिटल टी हमारा अर्ध आयु है और ये कैपिटल एन के जगह पर हम लोग कैपिटल एन की जगह पर एन जीरो बाई टू दिए, ये एन जीरो बाई टू हमारा विघटित होकर परमाणु की संख्या आधी हो जाती है। अब ये हमारा एन जीरो से एन जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा एक बटे दो बराबर ई के पावर माइनस लैम्डा टी। इस हिसाब से अगर हम इसको, ये हमारा माइनस है तो पूरा भाग नीचे आ जाएगा, तो एक बटे दो बराबर एक बटा ई के पावर लैम्डा टी। अब हम लोग तिरछा गुना करेंगे, तो तिरछा गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ई के पावर लैम्डा टी बराबर दो। ये हम लोग इससे तिरछा गुना किए, इससे तिरछा गुना किए तो ई के पावर लैम्डा टी बराबर दो, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लॉग ई ई टू द पावर लैम्डा टी बराबर लॉग ई दो। कहता है कि किसी लॉग के आगे ई हो या फिर ई के माथे पर लॉग हो तो ई और लॉग दोनों समाप्त हो जाते हैं, तो हमारा बचेगा लैम्डा टी बराबर लॉग ई दो।
अब इस लॉग ई जो हमारा बेस इसका ई है, लॉग ई का, इसको अगर हम लोग 10 के घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा हमारा, लैम्डा टी बराबर 2.303। लॉग ई को हम लोग 10 के घात में व्यक्त कर रहे हैं तो 2.303 लॉग 10 2, बेस उसका 10 हो गया और लॉग 2, लॉग 2 हमारा हो गया कितना आया 2.303 इंटू लॉग 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि लॉग 2 का मान देंगे तो लॉग 2 का मान हमारा क्या होगा, लैम्डा टी बराबर 2.303 गुने लॉग 2 होता है हमारा 3010। इसको गुना करेंगे तो हमारा निकल के आएगा लैम्डा टी, यहां पर हमारा कैपिटल टी होगा 0.0, ये 3.0 नहीं होगा, ये हमारा लॉग 2 का मान होता है 0.3010। इसको गुना करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.6931। अगर इससे हम लोग टी निकालेंगे तो टी हमारा होगा 0.6931/λ। ये हमारा अर्ध आयु का व्यंजक होगा, ये जो निकला हमारा ये क्या होगा, अर्ध आयु का व्यंजक होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।